बिग बॉस ओडीटी के कंटेस्टेंट राकेश वापत ने दिया है कश्मीरा साह के कमेंट पर तगड़ा जवाब। आखिरकार क्या कुछ राकेश वापत ने कहा है कश्मीरा साह को, चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से राकेश वापत और शमिता शेट्टी की जोड़ी थी बिग बॉस ओटीटी के अंदर, जब वो बिग बॉस ओटीटी के अंदर थे राकेश वापत, तभी कश्मीरा शाह ने राकेश वापत को ये टॉन्ट किया था कि वो एक जोड़ों के गुलाम है। हालांकि इस कमेंट पर उनकी पत्नी यानी रिधि डोगरा भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करती नजर आई थी कि राकेश वापत एक ऐसे इंसान हैं कि उनके साथ जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो, वो उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ उन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं कि उन्हें कुछ अकेला जैसा ना लगे या फिर वो एक अच्छे मेंबर की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह उस इंसान के साथ साथ रहते हैं। वह आपको बता दूँ कि अब जब राकेश वापत घर से बाहर आ चुके हैं और जब उन्हें पता चला कि कश्मीरा शाह ने उनको लेकर जोड़ों के गुलाम जैसे टाइटल्स का यूज़ किया है, तब उन्होंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं जिस भी लेडी या जिस भी फीमेल कंटेस्टेंट या फिर जिस भी औरत के साथ रहता हूँ, जिस भी इंसान के साथ रहता हूँ, तो मैं उसे क्वीन की तरह ट्रीट करता हूँ। वो सामने वाला किस तरह से मेरी ज़रूरत को समझे, किस तरह से मैं उसकी हर चीज़ों को समझूँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पहली वाइफ के बारे में भी जिक्र किया कि रिधि के साथ मेरी भले ही अभी डाइवोर्स हो चुकी हो, लेकिन मेरे कभी भी उनके साथ रिलेशन ख़राब नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उनको हमेशा से उनकी तरफ से सोचने की आज़ादी दी थी और साथ ही साथ वो क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं इसकी भी आज़ादी दी थी। इसलिए शायद अब हम अलग हैं, लेकिन फिर भी रिधि हमेशा मुझे सपोर्ट ही करते नज़र आई हैं। पर ये बात तो सच है कि राकेश वापत की डाइवोर्स के बाद भी अब तक रिधि ने उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव बयान नहीं दिया है, हमेशा सपोर्ट करते ही नजर आई हैं अपने राकेश वापत को। वेल, आपको बता दूं कि राकेश वापत और शमिता शेट्टी की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था बिग बॉस ओटीटी के घर में, और अब ये भी खबर आ रही है कि शमिता शेट्टी तो कन्फर्म है बिग बॉस सीजन 15 के लिए, और अब राकेश वापत को भी अप्रोच किया गया है। वह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि राकेश वापत क्या हाँ बोलते हैं बिग बॉस सीजन 15 में आने के लिए। वेल, आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।